अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए। मुरादाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र बिलारी के गांव तिवर खास के सामने जहर खुरानी गिरोह ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यात्री स्टाफ तिवर खास पर जहर खानी गिरोह के सदस्यों ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति सुदबुद होकर बेहोश की हालत में पड़ा मिला, जिसको हल्के के एसआई अभिषेक गुप्ता और कुछ व्यक्तियों ने मिलकर 100 नंबर पर सूचना दी। 100 नंबर मौके पर पहुंची और उसके पास से मिले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जानकारी जुटाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में भर्ती कराया गया, जिससे उसके नाम का पता चला है। अभी तक व्यक्ति को होश नहीं आया है। पुलिस जहरखानी गिरोह पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। इससे पहले भी कई लोगों को ये गिरोह अपना शिकार बना चुका है। इस गिरोह के सदस्य रेलवे स्टेशन के अलावा रोडवेज बस स्टैंड पर घूमते रहते हैं और मौका पाकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। आए दिन होते हादसों के बावजूद भी लोग अनजान व्यक्तियों से कुछ लेकर खा लेते हैं और गिरोह के सदस्य वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। जिला मुरादाबाद की तहसील बिलादी से अमित कुमार की रिपोर्ट। रास्ते में पड़ा मिला था यहाँ पर, तो इसे जब देखा कि नशे में था बहुत ज़्यादा, इसके वजह से शायद इसकी लूट उठ कर रखी, जेब कटिंग निकले पड़े हैं और इसकी टिकट भी देखिए पटना से आया हुआ है और ये संभल कर रहना वाला। तो यहाँ किस किन लोगों ने मदद करी है? ये सब काफ़ी सारे लोग हैं बेचारे, जो पुलिस वाले भी आए थे, उन लोगों ने बताया, हम सब लोगों ने उठाया इसका हमारे अभी के नशे में है। 100 नंबर भी है मौके पहुँचने वाली है क्या? हाँ, अभी कॉल कर दी है, अभी आई नहीं है, आने वाली। नशे के हालात में व्यक्ति मिला, क्या है मामला? मैं अपने क्षेत्र हल्का तेवर खास हल्के में कुछ काम से जा रहा था, तो मुझे रोड के किनारे पड़े हुए मिले, तो मैंने बाइक रोक के देखा था, ये नशे की हालत में कुछ बोल नहीं पा रहे, पानी की बोतल मंगा के इन्हें पानी पिलवाया और उसके बाद 100 नंबर और एम्बुलेंस दोनों को फ़ोन कर दिया, वो आने वाली हैं। अभी तक कोई पहचान हो पाई है? हाँ, अभी तक इसमें पहचान, इनका नाम अहमद हसन खान है और ये मुजफ्फरपुर संभल दतावली के रहने वाले हैं। इनके घर पर फ़ोन कर दिया गया है और संभवतः उनके परिजनों को सूचना मिल जाएगी। आपको ऐसा क्या लगता है कि अतिथि नशीला पदार्थ ये क्या खिलाया जाएगा? हमारे हिसाब से तो इसमें ये लगता है कि इनकी जेब काटी है किसी ने, तो नशीला पदार्थ शायद खिला दिया और यहाँ पर मौका देख के उतार दिया।